जो कूलर मई जून की भीषण गर्मी में हमें ठंडी ठंडी हवा देता है, उसी कूलर में भाई ने बनाया एक ऐसा अनोखा प्रोडक्ट जो हम सभी के आसपास की हवा को शुद्ध कर देता है। ये कार्य सभी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा किया जाता है। आइए अंदर चलते हैं, करते हैं भैया से बातचीत, जानते हैं बेहतरीन से कार्य के बारे में। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। तो भैया जी, यहाँ जो गजब प्रोडक्ट बनता है उसकी शुरुआत कैसे होती है? ये हमारा वुड पाउडर होता है, ठीक है जी। बाइंडिंग एजेंट ये होता है, ये मिक्सचर होता है, इसमें ऑयल प्लस वुड पाउडर डाला जाता है जी। उसके बाद ये कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसकी अच्छे से घुमाई करती है। जब ये मिक्स होकर तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर इसे निकाल के हम कटिंग मशीन की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद ये हाइड्रोलिक मशीन है, इसमें मटेरियल डाला जाता है, ये आगे पुश करती है मटेरियल को। ये पैनल है यहाँ पे, ठीक है, ये इसके थ्रू होते हुए ये इन प्लेट्स पे सारा आता है। ये प्लेट जब पूरी भर जाती है, उसके बाद ये एक एक करके ये 9 की 9 प्लेट पे मटेरियल आएगा। जब ये ऊपर वाली प्लेट पूरी भर जाएगी तो मशीन वहाँ से रोक दी जाएगी। फिर ये यहाँ से काटा जाता है बिल्कुल, ठीक है। अब ये डिटैच हो गया, इससे ये डिटैच हो गया, ठीक है। अब ये इस पे डलेगा। उसके बाद ये जो ब्लेड है, इनका रोल है कि कितना लंबा, कितनी लंबी स्टिक होनी चाहिए। ये ब्लेड जिसे काटते हैं, उसके बाद फिर ये यहाँ पे बैठ के इस पे ऐसे बटर पेपर रैपिंग होती है, ठीक है। ये बटर पेपर लगा के हमारे यहाँ से डिस्पैच हो जाता है। अब हम चलते हैं अगरबत्ती की तरफ। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि ये वुड पाउडर और ये बाइंडिंग एजेंट इसमें डाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें पानी ऐड होगा, 15 से 20 मिनट मिक्स होने के बाद फिर इसे यहाँ से निकाल के मशीन के पास लेके जाते हैं। ये हमारा रेडी मटेरियल है, फिर ये इस मशीन में डलता है। यहाँ पे ये यहाँ से स्टिक आगे फेंकता है, ये आगे सेंसर लगा हुआ है, ये आगे रोलर लगा हुआ है, ये यहाँ से स्टिक जाती है और ये इसके ऊपर से मसाला चढ़ा के उधर निकाल देता है। अब ये क्रेट में आने के बाद, जब ये क्रेट फुल हो जाएगी, फिर इसे यहाँ से ड्रायर में शिफ्ट किया जाएगा। ये ड्रायर है हमारा, इसमें 3 साइड ओपनिंग रहती है, तीनों साइड अगरबत्ती लगती है इसके अंदर। उसके बाद ये ड्रायर फुल नाइट के लिए चलाया जाता है। कूलर में ही आपने एक लगा हुआ है? हाँ जी, ठीक है। आगे एक साइड फैन लगा हुआ है, हाँ, ताकि जब फैन चलता है तो हवा आगे की तरफ जाती है, हाँ जी। और ये पीछे अगरबत्ती रखी हुई है, साइड में रखी हुई है, मॉइस्चर निकाल देता है, निकल जाता है, हाँ जी। बहुत हुआ अगरबत्ती के बारे में, अब आपको कोन के बारे में दिखाते हैं। मिक्सर मशीन में से मिक्सर निकल के यहाँ पे आता है, ये हाइड्रोलिक मशीन है, यहाँ पे हम डालते हैं। इसमें आगे और पीछे 2 सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आते हैं, उसके बाद ये यहाँ पे पीछे फ्रेम लगा हुआ है इसमें जी। ये फ्रेम इसमें पुश करता है मटेरियल को, ये बेसिकली फर्मा है इसका। फिर ये एयर कंप्रेसर की मदद से, एयर की मदद से ये इसमें से नीचे गिरती रहती है, और उसके बाद फिर ये यहाँ पे आती है। उसके बाद इसे अगले दिन हम यहाँ पे सुखाते हैं। क्या रेट होगा इसका? रेट्स भैया क्वालिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली दिखाई है आपको, करीब करीब आप मान लीजिए 70 to 75 रुपीज़ पर केजी। आप अगरबत्ती की बात करें तो अगरबत्ती भी 60 रुपीज़ से रॉ स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद फिर उसका रेट बढ़ता चला जाता है। अच्छा, अगर किसी को आपसे अगरबत्ती, धूप बत्ती वगैरह ये सब चाहिए हो तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9568862915, ठीक है। और एड्रेस? एड्रेस है 120 राजवंश विहार, गढ़ रोड, मेरठ, नियर मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अगरबत्ती किस तरीके से बनके तैयार होती है। भैया ने अपना फोन नंबर बताया है, अपना एड्रेस बताया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके हमारे को जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।